हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि SSC ग्रुप डी, NTPC और DRDO की तैयारी करते हैं। तो बिना किसी देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज बताने जा रहे वर्ड विक्षेपण। वर्ड विक्षेपण क्या होता है दोस्तों? जब प्रकार किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये मान लो प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है दोस्तों? तीन बिंदुओं से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम क्या हमारा क्या होता है? प्रिज्म कहलाता है। जो प्रिज्म है क्या है? हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। जब इस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है, मान ली श्वेत प्रकाश इस तरह डालेंगे तो क्या होगा? श्वेत प्रकाश ऐसे न जाने बजाय क्या होगा? ऐसे इस तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है? एयर है। ये क्या है? सघन माध्यम है। या ग्लास क्या है? विरल माध्यम है। ग्लास मार्क है, प्रिज्म मार्क है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश क्या हो जाएगा? ये प्रकाश क्या हो जाएगा? इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये विचलित हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह पट्टी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस तरह सात रंगों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सात कलर की पट्टी प्राप्त होगी। ये सात रंगों क्या होगा दोस्तों? विभक्त हो जाएगा, जिसे कहते हैं विभक्योर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या कलर है? पहले वायलेट, ये इंडिगो है, ये हमारा ब्लू, ग्रीन, येलो और ये हमारा क्या है? रेड है। ठीक है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो होता है सबसे कम जो विचलन होता है वो कब सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का क्या होता है? विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? रेड कलर का भी लाल रंग का जो विचलन सबसे कम होता है। सबसे अधिक जो विचलन होता है वो क्या होता है? किसका होता है? वायलेट यानी बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, वायलेट रंग का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? वायलेट का विचलन होता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। और सबसे कम किसका होता है? वायलेट का होता है। दोस्तों इसमें सबसे जो है सबसे बीच में रंग कौन सा है? सात कलर का रंग है। सबसे ज्यादा जो बीच में कलर कौन सा आता है दोस्तों? तो हमारा वो क्या आता है कि वो पीले रंग का जो पट्टी होता है वो सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। इसलिए क्या होता है? मध्य में कौन सा रंग आता है? पीले रंग का आता है। क्या होता है? पीले रंग का होता है। दोस्तों लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और इसका क्या होता है? इसी कारण देखते हो ये प्रकाश जो होता है फैलता बहुत कम है। प्रकाश जो होता है बहुत कम फैलता है। ये क्या और प्रकाश क्या होता है? फैल जाते हैं, उतना दिखाई नहीं देता है। इसी कारण क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसी कारण ये क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। और खतरे का सिग्नल भी इसी तरह लाल रंग का ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन
है। इसमें होता क्या दोस्तों, जब सूर्य से कोई प्रकाश आता है, सूर्य से जब कोई प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो क्या होगा, हमारे जो वायुमंडल है, वातावरण में जो बहुत सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, जिससे प्रकाश हमारा क्या होता है, श्वेत प्रकाश में ना आने के बजाय कई होता है, कई रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जो सूर्य है, आकाश हमारा क्या है, वास्तव में उसका रंग क्या है, काला है। रियल में देखा जाए तो उसका रंग क्या है, काला है, लेकिन वातावरण में क्या है, धूल मिट्टी के कारण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, यानी सीधी ना आकर क्या हुआ, वो क्या विचलित हो जाती है। ठीक है, उस विचलन के कारण क्या होगा, आकाश हमें क्या दिखा है, आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, नीला, लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या होता है, काला होता है। ठीक है, प्रकाश का और विक्षेपण क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश आते हैं तो वायुमंडल में हमारा धूल मिट्टी के कण होते हैं, जिसके कारण प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में ना आकर क्या हो गई, वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसके कारण हमारे आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, और इसी कारण जो होता है, खतरे का सिग्नल जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिग्नल वो क्या होता है, लाल दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल क्या होता है, लाल होता है। और सूर्य जब निकलता है और डूबता है, सूर्य जब निकलता है और डूबता है तो उसी कारण हमारे क्या होता है, उसमें क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकाश से प्रकीर्णन के कारण सूर्य जब निकलता है और डूबता है, सूर्य जब निकलता है और डूबता है तो इसी कारण हमारा क्या क्या होता है, प्रकाश हमारा क्या होता है, ये लाल रंग का दिखाई देता है डूबते समय और निकलते समय, ये हमको क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देती है। ठीक है, और दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य जो होता है सबसे कम दूरी तय करता है, सूर्य जो होता है सबसे कम दूरी की तय करता है, इसलिए हमको क्या धूप ज्यादा लगती है। लेकिन क्या होता है, जब सूर्य डूबने जाता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, उसकी दूरी सबसे अधिक होती है, तो उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होता है बहुत कम हो पाता है, जिससे कारण हमें क्या होता है, ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, डूबते समय और निकलते समय लाल में दिखाई देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उगते समय और डूबते समय क्या होता है, लाल क्यों दिखाई देता है, हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, मान ले हमारा कोई एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसकी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, जो वस्तु है वो हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, कितनी दूरी रखा गया है, वो मान लो हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धन कैसा होगा, आवर्धन निकालना है आपको, क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है, और क्या निकालना है आपको, वस्तु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इमेज की ऊंचाई निकालना है। तो दोस्तों हम एक फार्मूला आपको बता दें किसके लिए, ये उत्तल लेंस के लिए है, कौन सा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए दोस्तों हम फार्मूला जाते हैं, 1/f=1/v-1/ का यू जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/v, f दे रखा है, f कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 1/v, v निकालना है दोस्तों, u का मान दे रखा है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, माइनस का दोस्तों, अगर मान लो ये क्या माना है, इसको मान लो 15 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखा है, कौन सा, 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर माइनस का 1/15 सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वल टू 1/v हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू 1/v हो जाएगा, 1/ यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,
सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें पूछ रहा है क्या आवर्धन बताना है, क्या आवर्धन m बराबर होता है v अपान u होता है, v के मान दे रखा है कितना है 30 है, u के मान कितना है माइनस का 15 है, ये कितना हो जाएगा, यानी कितना ये हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं अब हमको क्या निकालना है, m बराबर i अपान o इक्वल टू यानी h1 अपान अपान h i कर दो इसको, ठीक है, इक्वल टू v अपान कितना होता है u होता है, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये h1 का मान दे रखा है 2 रखा है अपान a h i, यहाँ से अभी निकालेंगे तो 30 हो जाएगा बटा के 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस नहीं लिया जाता है, ठीक है, ये तो माइनस में नहीं लिया जाता है, तो यहाँ से देखो ये दोस्तों ए भी सेंटीमीटर, ए भी हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से 15 दूना के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, ये इधर जाएगा इसकी इधर आएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा ये 2 यहाँ आएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 2/ कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी एच वन बराबर हो जाएगा हमारा कितना ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आएगा 2, ये से कट जाएगा ये माइनस का 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इमेज की ऊंचाई कितनी आ गई, इमेज की ऊंचाई कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। वन अपान एफ देखो 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 दोस्तों, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू, एफ का मान दे रखा था कितना 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिया, यू का मान दे रहा माइनस 15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इधर आ गया माइनस हो जाएगा 1/30 सेंटीमीटर बराबर 1/20, यहाँ से बी का मान कितना आ गया इतना, तो यहाँ से आवर्धन निकाल लिया कितना ये आ गया, वो कितना माइनस 2 आ गया, एम बराबर क्या था एच वन अपान आई वन बी अपान यू होता है, यहाँ से ओ का मान दे रखा है 2 है यहाँ से और इसका मान 2 है, यहाँ से हो जाएगा यहाँ आएगा तो इसके नीचे कट जाएगा तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर इसकी इमेज की। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन इसे आना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।